हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है दिसंबर के लास्ट वीक की, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। टू ऑफ चैलिसेस, Page of Chalices, the Oak King, Ace of Chalices, Seven of Adams, and Page of Adams. Okay, तो इस वीक में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं एक दूसरे के साथ। किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, एंड ये आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत लग रही है मुझे, क्योंकि कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप दोनों ही मुझे। पेज ऑफ एडम्स के साथ आई थिंक ये पर्सन लगातार ये विश कर रहा था कि आप उनके जीवन में आए, एंड चाहे आप दोनों के बीच जो कुछ भी डिफरेंसेस रहे हो इससे पहले, या जो कुछ भी आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो इस रिलेशनशिप में एक बाधा बनेगी, मुझे लगता है कि ये पर्सन अब रेडी है आने वाले चैलेंजेस के लिए, एंड उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। आई मीन इस वीक में ये पर्सन आपसे कह सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। अगर इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपको ये बताएगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। एंड अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ है, तो ये है एक नई शुरुआत के बारे में, नई बिगनिंग के बारे में, एंड ये है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में। तो आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहे, या आप दोनों एंगेजमेंट का डिसाइड करें, या हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपको प्रपोज कर दें। कुछ भी ऐसा होगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये पर्सन अब आपको लेके सीरियस है, एंड ये इस रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहते। अब इन्हें पता है कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, एंड ये रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं दिसंबर के लास्ट वीक में। हालांकि पेज ऑफ एटम्स के साथ डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा डेस्परेट हो सकता है ये पर्सन। आपको लगेगा कि ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, या इन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। हो सकता है ये आपसे कहें कि चलो हम नेक्स्ट मंथ ही शादी कर लेते हैं, या कुछ ऐसा जो आपको लगे कि बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, या आपको मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इस वीक में हो सकती हैं। आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ओक किंग का कार्ड है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन पता नहीं क्या कह रहा है, जबकि इनके पास कोई प्लान नहीं है, या फ्यूचर कोई इन्होंने प्लान नहीं किया है, और कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता इस रिलेशनशिप को लेके। आई मीन आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया। एंड ये पर्सन यहाँ पे अपना प्रपोजल लेके आ चुका है, पर आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी एक प्लान बना चुका है। ऐसा नहीं है कि ये हवा में तीर चला रहे हैं, या एक फेक कमिटमेंट दे रहे हैं, या ये नहीं सोच रहे कि कल को क्या होगा अगर आप दोनों एक बंधन में बनते हैं, यानी शादी करते हैं, या फिर किसी चैलेंज को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। इस पर्सन के पास हर तरीके का प्लान है। आई थिंक ये पर्सन समझ गया है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, एंड आई थिंक अब ये पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि एस ऑफ चैलेंजेस के साथ मैं इन्हें आपको ये कप देता हुआ देख रही हूँ। ये कप है लव के बारे में, अफेक्शन के बारे में, उन सारी विशेष से भरा हुआ जो आपकी है। एंड ये पर्सन अब अपने मन की भी सुन रहा है, क्योंकि पेज ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन को भी ये कप बहुत प्यारा है, एंड इन्हें लगता है कि इनके इस लव के, इस अफेक्शन के हकदार सिर्फ आप हैं।
एंड ये आपके साथ ही अपने इस कप को शेयर कर सकते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. ओके एंड सेवन ऑफ एटम्स के साथ आई थिंक ये पर्सन ये चीज़ देख चुका है कि आपसे दूर जाने की कोशिश का कोई मतलब नहीं है. आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज थे या कोई ऑब्स्टेकल्स थे तो भी इस पर्सन ने ये ट्राई कर लिया है, आपसे दूर जाने की कोशिश ये कर चुके हैं एंड उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ हमेशा उन्हें खींचता रहता है पास की तरफ. आप उनका एक हिस्सा हैं और वो अपने हिस्से को पीछे छोड़कर यू नो खुद कंप्लीट होकर आगे नहीं बढ़ सकते या खुद पूरी तरह से खुशियों को महसूस नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली ये पर्सन इस बात को रियलाइज कर रहा है कि अगर उन्हें खुश रहना है तो अपने मन की सुननी पड़ेगी एंड उनका मन जो है वो उन्हें आप तक लेके आ रहा है. ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Four of Pentacles, King of Chalices, Five of Chalices, and Nine of Chalices. Okay, तो हमारे पास है Four of Pentacles. Four of Pentacles का मतलब है कि ये person काफी ज्यादा परेशान है situation को लेके. Okay, I mean ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि किंग ऑफ चैलेंजेस के साथ अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन सेटलमेंट करना चाहता है. आई मीन अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है. ये थक चुके हैं भाग भाग के, थक चुके हैं अकेले रह के और थक चुके हैं हर बार अपना दिल टूटने से. हो सकता है कि इस पर्सन का पहले कोई पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जो उनके नेग्लिजेंस की वजह से टूटा हो या जो उनके अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ना करने की वजह से टूटा हो. तो अब ये पर्सन उस स्टोरी को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता. ये पर्सन चाहता है कि अब जो भी है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए क्योंकि फाइव ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन किसी बात को लेकर पछता रहा है. ओके जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें ना कुछ कर पाने के कारण ये पर्सन पछता रहा है. आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं अगर वो उसे नहीं हटा पाए तो फिर यू नो एक बार फिर से ये प्रूव होगा कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते या वो वीक हैं और उनकी खुशियां उनसे दूर चली जाएंगी. तो ये पर्सन डेफिनेटली ये समझ चुका है कि उन्हें क्या करना है. वो यूनिवर्स के इस प्रीशियस गिफ्ट को गंवाना नहीं चाहते एंड आई थिंक ये पर्सन अच्छी तरीके से समझता है कि दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे. ओके ये फोर ऑफ पेंटिकल्स मैनेज कर रहे हैं अपने एंड शायद दूसरे लोग इन्हें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि इन पेंटिकल्स में उन्हें भी शेयर मिले. तो ये पेंटिकल्स वैसे तो पैसों के बारे में होता है पर ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपके केस में, अटेंशन से भी रिलेटेड हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ जो इनके आसपास के लोग इनसे चाहते हैं एंड इसी कारण से इनका रिलेशनशिप कई बार इंटरप्ट हुआ और अब वो नहीं चाहते कि ये चीज़ दोबारा हो. ओके किसी और की वजह से अपने लव को ये गंवाना नहीं चाहेंगे. नाइन ऑफ चैलेंजेस से ये दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन इमेजिन कर चुका है ऑलरेडी आपके साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर चुके हैं और अब इसे मैनिफेस्ट करने में देर नहीं करेंगे. ओके जो होना था वो हो चुका है. अब ये पर्सन ये सोच चुका है कि इन्हें क्या करना है एंड ये आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं और इस बात को लेके अब इन्हें कोई शक नहीं है. चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक मैसेज क्या है. होरस कॉस्मिक गेटवे. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring.
ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल यू नो यूनिवर्स सुन रहा है, एंड वो चीज़ आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपकी लाइफ में हो रही है। आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की। आपको कई बार ऐसा लगेगा इस वीक में कि आप कुछ सोच रहे हैं एंड वो अचानक से हो गया, किसी के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन अचानक से कॉल कर देता है या आपके घर आ जाता है या फिर कुछ और। ओके, आप कुछ भी सोचेंगे वो चीज़ आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। इस पावर को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।